बीए फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज का अपना टॉपिक है वो है अरस्तु का शिक्षा दर्शन। इससे पहले की जो क्लास में थी उसमें हमने अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम अरस्तु की शिक्षा दर्शन की क्या उपादेयता है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उसके बारे में आज की जो क्लास में चर्चा करेंगे। अरस्तु ने प्लेटो के तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य किया क्योंकि अरस्तु को प्लेटो का शिष्य माना जाता था। इसीलिए उसने जो प्लेटो द्वारा जो रचित पुस्तकें थी जो ज्ञान था या प्लेटो के मार्ग पर चलने की जो शिक्षा है जब शिक्षा को अपनाया था। इसलिए अरस्तु ने प्लेटो के तत्वों को तत्व ज्ञान था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। अरस्तु ने तत्व ज्ञान के संदर्भ में प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दर्शन को ही माना। उसने तत्व ज्ञान के आधार पर प्लेटो के द्वारा जो रचित प्रतिपादित जो सिद्धांत दर्शन था उसको ही उसने ही आधार माना था। प्लेटो एक तो प्रत्ययों का शाश्वत संसार माना है। प्लेटो ने एक और तो जो प्रत्यय है समस्त जो जीव जगत है उसमें शाश्वत संसार को देखा है और दूसरी ओर विशेष पदार्थों को अनित्य संसार के रूप में माना है। प्लेटो के दो प्रकार की धारणाएं थी। प्लेटो पहला तो कहता था एक और तो प्रत्यय का शाश्वत संसार और दूसरा पदार्थों का अनित्य संसार। अरस्तु ने विशेष और सामान्य अंतर को समझा। अरस्तु ने इन दोनों में से जो विशेष और सामान्य अंतर है उन सामान्य अंतर को समझा और सामान्य को पदार्थ के सार तत्वों के रूप में देखा। प्लेटो का प्रत्यय विशेष पदार्थ से अलग था जबकि अरस्तु का सामान्य तत्व पदार्थ के अंतर्गत ही विद्यमान था। इन दोनों अंशों को अरस्तु ने सामग्री और प्रकृति कहा। ये दोनों अंश जो मिले थे पदार्थ और अनित्य से दोनों अंशों को अरस्तु ने सामग्री अंशों की सामग्री को प्रकृति कहा। अरस्तु के अनुसार दृष्ट पदार्थ सामग्री और आकृतियों का संयोग मात्र है। अरस्तु ने अपनी डेफिनेशन दी है अरस्तु के अनुसार दृष्ट पदार्थ सामग्री और आकृतियों का संयुक्त मात्र है। सामग्री और आकृतियों का संयोग मात्र माना है। उन्होंने दृष्ट पदार्थ को संयोग और आकृति का संयोग और आकृति का संयोजन माना है। अरस्तु ने कार्य कारण के संबंध में अरस्तु ने जो कार्य कारण है उस कार्य कारण के संबंध में चार प्रकार के कारणों का उल्लेख किया है। लिख देते हम अरस्तु ने कार्य कारण के संबंध में चार प्रकार के कारणों का उल्लेख किया है। चार प्रकार के कारणों का उल्लेख किया है। चार प्रकार के कारणों का उल्लेख उन्होंने किया है। नंबर एक पे है उपादान कारक। दो पे हैं निमित्त कारक। और तीन पे हैं अकारात्मक कारक। अकारात्मक कारण और फोर्थ पे है वो है लक्ष्यात्मक
काम है। उसने चार प्रकार के कारणों का वर्णन किया है, सबसे पहले अपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण, तीसरा अकारण कारण और चौथा है लक्ष्यात्मक कारण। इस प्रकार उन्होंने किसी कार्य के संपन्न होने में अपादान कारक प्रमुख माना है। किसी भी कार्य को संपन्न होने में जो अपादान कारण है वो प्रमुख माना है। किसी भी कार्य को संपन्न होने में उन्होंने अपादान कारण को प्रमुख माना है। जैसे उदाहरण भी उन्होंने दिया है, जैसे कोई वस्तु है तो उपयोग करने वाले व्यक्ति निमित्त कारक कहलाएंगे। उस वस्तु का उपयोग करने वाले व्यक्ति निमित्त कारण कहलाएगा। ठीक है, उन्होंने जो उपादान कारण है उसको प्रमुख माना है। जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु को उपयोग करने वाले व्यक्ति निमित्त कारण कहलाएंगे। फिर उन्होंने कहा है वस्तु और उस वस्तु का प्रयोग करने वाले, तीसरा कहा है वस्तु और उस वस्तु का प्रयोग करने वाले, वस्तु और उस वस्तु का प्रयोग करने वाले से जिस नई रचना का निर्माण होगा, जिस नई रचना का निर्माण होगा उस रचना के कारण को अकारात्मक कारण कहा जाएगा। उस रचना के कारण को अकारात्मक कारण कहा जाएगा। उस वस्तु के कारण को अकारात्मक कारण कहा जाएगा, अर्थात उसका लक्ष्यात्मक कारण भी अवश्य होगा। अर्थ हम कह सकते हैं अतः इन तीनों स्थितियों में व्यक्ति क्यों गुजरा, अतः उपरोक्त तीनों कारणों से या तीनों स्थितियों से व्यक्ति क्यों गुजरा, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा रह जाता है कि उन्होंने जो अपादान कारण है उसको प्रमुख माना है व्यक्ति के लिए।
लक्ष्यात्मक कारण भी अवश्य था, अर्थात इसका लक्ष्यात्मक कारण भी अवश्य था कि ऊपर के जो कार्य उसने किए इसलिए किए कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ चीज हासिल करने के लिए उसने कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य बनाया है। अतः उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया में लक्ष्यात्मक कारण का समावेश है। अतः उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया में लक्ष्यात्मक कारण का समावेश है। लक्ष्यात्मक कारण का समावेश है कि उन्होंने